जैसा शगुफ्ता ने कहा कि जीवन में बहुत बार बिना वजह के बाधाएं आती हैं, हर काम में रुकावट आती है और कई बार उसके पीछे का कारण होता है शाप यानी कर्स। शाप होता क्या है, एक आम आदमी की जिंदगी में ये कैसे असर डाल देता है? देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए दुष्कर्मों की वजह से, खराब कामों की वजह से उसे एक समय तक इसका फल भोगना पड़ता है। कभी कभी ये फल इतना ज्यादा कठोर होता है कि जन्म जन्मांतर तक पीछा करता रहता है। जब किए गए दुष्कर्मों के फल का कारण भी पता ना चले और निवारण भी पता ना चले तो ये शाप है। आपकी कुंडली की दशा ठीक है, आप अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी में कोई उन्नति नहीं हो रही है, हो सकता है आपके ऊपर शाप हो। देखिए, दुनिया में तमाम तरीके के शाप होते हैं और ये अलग अलग तरीके के शाप अलग अलग कारणों से जिंदगी में पैदा हो जाते हैं और जिंदगी पर इसके बाद ये गहरा असर डाल देते हैं। आपको देखकर बिना आपके बारे में जाने हुए हवा में नहीं कह सकते कि आपके जीवन में कोई शाप है। उसका एक कैलकुलेशन है, उसकी एक गणना है, उसको देख करके समझ करके आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में शाप है या नहीं है। देखिए, कुंडली में राहु इन सारे उपद्रवों का कारण है। काल सर्प दोष, पितृ दोष, शाप, इन सब के पीछे राहु है। अगर कुंडली में राहु खराब है तो समझिए कि आपके ऊपर शाप का प्रभाव हो सकता है। कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध है तो शाप होने की संभावना जरूर है। कुंडली में शनि राहु का संबंध है तो इसको तो खैर लोग जाने किस किस नाम से संबोधित करते हैं, पिशाच योग, प्रेत योग, नंदी योग, लेकिन ये भी एक तरह का शाप है। हाथ के बीचों बीच में अगर तिल हो तो लोग बड़े खुश होते हैं कि बड़ा पैसा होगा मेरे पास, जबकि ऐसा है नहीं। हाथ के बीचों बीच में अगर तिल है तो आपके जीवन में बड़ा और गहरा शाप है। बिना वजह के जीवन में तनाव बना रहता है, नौकरी बढ़िया, परिवार बढ़िया, पैसा बढ़िया, फिर भी आप सुखी नहीं हैं जीवन में, तो आपके जीवन में कोई अज्ञात बाधा, कोई अज्ञात शाप काम कर रहा है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।